तो आज आपके लिए लेकर के आ गए हैं एक पेन टैबलेट जिसका हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, ठीक है। ये जो है आपके सामने यहाँ पे फ्लिपकार्ट के द्वारा ऑर्डर करके मंगा लिए हैं, और बड़ा सा ये पेन टैबलेट है जो कि एक्सपी पेन डेको फुल एल लार्ज ग्राफिक, यानी ग्राफिक ये बहुत बड़ा है, जो कि आप छोटे छोटे टैबलेट में लिखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जिसके वजह से हम लोग को पढ़ाने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये बड़ा सा है, बहुत बड़ा है, जो कि आप इसको देख ही सकते हैं। इसका हम लोग आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, एक्सपी पेन डेको फुल यानी डेको फोन एल लार्ज ग्राफिक, यानी एल ग्राफिक टैबलेट है, जिसका जो है डिस्प्ले साइज जहाँ पे हम लोग लिख पाते हैं वो एरिया 10x6.27 इंच का है। पेन टैबलेट बहुत ही बड़ा दिखने वाला है, विथ उसका जो है पेन सेंसिटिविटी लेवल जो है 81-92 है, जो कि अच्छा जो है पेन का लेवल जो है अच्छा लगेगा कि जो हम लोग लिखेंगे उसका मोटाई और पतलाई, जो लिखने का टेक्स्ट का जो लेवल होता है वो अच्छा है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या फ़ायदा होने वाला है हम लोग को, और क्या इसमें क्या क्वालिटी है और क्या क्वालिटी नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझे हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें। और ये पेन टैबलेट बेसिकली जो है हम पढ़ाने के लिए, यानी बच्चों को, स्टूडेंट को ऑनलाइन टीचिंग कराने के लिए मंगाए हैं। तो आप लोग भी ऑनलाइन अगर टीचिंग कराना चाहते हैं तो आप लोग इस पेन टैबलेट को मंगा सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग को पता चल ही जाएगा कि इसका क्वालिटी क्या है और क्या खासियत है इसका, तो सब इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए इसके लिए हम एक जो है इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए इसको फाड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग फ्लिपकार्ट का जो ऑर्डर आया है इसको अनबॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये अनबॉक्स हो रहा है। यहाँ पे इस बड़ा सा डब्बा के अंदर एक और बड़ा सा डब्बा जो है आ चुका है, और ये कुछ ज़्यादा मूल्य का यानी ज़्यादा पैसा का नहीं है, जिसके वजह से कि आप लोग घबराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मूल्य प्राइस जो है सिस्टम के अनुसार बहुत कम मूल्य है, जिसको आप सुनेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि एक इसी तरह का हम मंगा ले, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि ये पेन टैबलेट बहुत ही अच्छा और यूनिक पेन टैबलेट है, और इसका क्या क्वालिटी है सब दिख ही जाएगा। तो चलिए अब इस बॉक्स में और कुछ देख लेते हैं है कि नहीं। चलिए ये इस बॉक्स में अब कुछ नहीं है, देख लीजिए। और अगला बॉक्स इसको नीचे रख देते हैं, क्योंकि जगह कम है, ऊंचा ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये पेन टैबलेट के ऊपर से ये कुछ लिखा हुआ है, इसका जो ऑर्डर है कितना का है ये सब लिखा हुआ है, जीएसटी चार्ज वगैरह लिया है इसमें, तो इसको देखते हैं आगे। फिर ये है आपका, और इसको फाड़ लेते हैं, और फिर इसके अंदर से हम लोग निकालेंगे। ये बॉक्स बहुत ही अच्छा दिया है, और बॉक्स के अंदर कितना क्वालिटी का पेन टैबलेट है इसको हम लोग देखेंगे कि ये कैसा है और किस क्वालिटी का दिया है और किसके अंदर क्या क्या दिया है। तो ये रहा आपका पेन टैबलेट, वाह, ये है आपका पेन टैबलेट, और ये बहुत बड़ा है भैया। इसका जो है डब्बा ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इसको इस तरह से दिखेगा, ये पेन टैबलेट का जो है बॉक्स है, और उसके बाद हम लोग फिर इसको थोड़ा सा अलग रख देते हैं। चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं और फिर इसको इधर देखते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेन टैबलेट दिया है, छोटा नहीं है, बड़ा ही कहेंगे, क्योंकि लगभग ये देख लीजिए आपका पूरे हाथ जो है मेरे इतने बड़े हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए हम A4 का कोई सेंचुरी देखते हैं, उससे कितना छोटा है या बड़ा है, तो बड़े भैया ये देखिए, ये A4 के पेपर साइज से भी बड़ा है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा एक मेरे पास बड़ा पड़ा हुआ था, तो इसको खोल के देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या देता है। ये तो हो गया आपका पेन टैबलेट, उसके बाद इसको एक बार देख लेते हैं। ये दे दिया आपका भैया, इसमें है एक एस लाइट,
स्टाइलिश पेन है इसमें। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार पूरा ओपन तरीका से। ये रहा आपका पेन जो कि बेहतर देखने में बहुत बेहतर दिख रहा है, ये है आपका पेन। उसके बाद आपका दे दिया है एक जो है USB केबल है जो इसके द्वारा कनेक्ट होगा, जो भी आप मोबाइल में भी ये एंड्रॉयड में भी ये कनेक्ट होगा। ये बेसिक इसका बेस्ट क्वालिटी ये हमें लगा कि जिसके पास अगर लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल पे ही देख करके इससे पढ़ा सकता है, ठीक है। और ये है उसका रिंग, ठीक है, ये जो है रिंग है जिसको जिसके द्वारा हम लोग ये पेन टैबलेट का जो यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका पेन टैबलेट। ये पेन टैबलेट का जो ये नीब है ये वाला, इसको निकालने के लिए ये रिंग दिया है कि रिंग के द्वारा आप लोग इसे पकड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया है इसके साथ, इसके साथ ये जो है आपका पेन जो है नीब, जो पेन बॉल पेन के जैसा जो नीब होता है वो वाला ना जो है अगला पर्सन इसका 10 इसमें दिया है, कितना है इसमें 10 पीस और एक्स्ट्रा दिया है। तो फिर अगला देखते हैं इसमें क्या है। अगला इसमें मैनुअल है, जो भी इसका डाटा है जिस तरह से इसको चलाना है उसका कुछ जो है अपना अपना जो इसके चलाने की तरीका है ये सब सिस्टमेटिक ढंग से इसमें दिखा रहा है। तो चलिए ये तो हो गया इसका क्वालिटी। अब जो है पेन टैबलेट के अलावा और ये रिंग के अलावा हमें पेन टैबलेट कैसे दिखता है इसको हम लोग देखने वाले हैं, और इसका प्राइस क्या होने वाला है और ये जो है कितना बड़ा है ये भी पता कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं, बहुत ही बेहतर तरीका से ये सटा हुआ है। चलिए इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। चलिए अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए ही किया गया है। ये देखिए कितना बड़ा सा है, ये है इतना बड़ा सा जो है पेन टैबलेट है। इसमें थोड़ा मेरा लाइट वगैरह आ रहा है और इस पर हम लोग A4 पेपर रखते हैं, देखते हैं कितना छोटा और कितना बड़ा है। तो यहाँ पे आपका इतना बड़ा है पेन टैबलेट, यानी इससे A4 साइज से इतना बड़ा है। इतना में तो आप लोग लिखते ही होंगे क्योंकि कॉपी में भी इससे ज़्यादा A4 साइज कॉपी ही रहता है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इतना बड़ा सा टैबलेट दिख रहा है। और इसका जो है कलर भी आपको दिख रहा है, ये कैसा कलर है जो आपके सामने है, इतना मस्त कलर है, ठीक है। चलिए इसका जो है रिव्यू अभी देख लिए हैं, अभी तो जो है इस लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि इस वीडियो में इतना लंबा हो गया। तो अगले वीडियो में ये कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे चलाते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें अपलोड करेंगे, ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर डालेंगे, उसके अलावा बहुत सारा इसमें जो है प्रोसेस है अगला वीडियो में हम दिखाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कोशिश कीजिए कि अगले वीडियो में फिर मिले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।